नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा गहराई डालने वाले हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि कमर्शियल की काफी टाइम से वीडियो नहीं आई है और आज ये वीडियो बनाने का पर्सपेक्टिव भी काफी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छी है, इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो है वो शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि इस टाइप की इन्वेस्टमेंट अभी रिसेंटली में नहीं थी, अभी ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो आई है। मैं अपॉर्चुनिटी क्यों कह रहा हूँ उसका जिक्र हम साथ के साथ वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे कि इस कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू गुड़गांव के अंदर, क्योंकि न्यू गुड़गांव की इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि गुड़गांव अपने आप में एक छोटी सी सिटी है, उसका अपना एक अलग से वजूद है, क्योंकि गुड़गांव से ये थोड़ी सी हटके है, नई डेवलपमेंट के अंदर है और न्यू गुड़गांव की जो कनेक्टिविटी है वो मेजर है, साथ में एनएचएच के साथ है, द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ है, पटौदी रोड के साथ और साथ में आपका मानेसर जो कि इंडस्ट्रियल हब है उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी आती है। तीसरी है कि सबसे ज्यादा जो कमर्शियल एक्टिविटीज है वो न्यू गुड़गांव के एरिया में नई डेवलपमेंट होने वाली है, तो वहां पे जो जेंट्री है वो नई जेंट्री वहां पे बसने वाली है, प्रीमियम लोग आने वाले हैं, क्योंकि प्रीमियम ही प्रोजेक्ट वहां पे जो अभी आगे आने वाले हैं वो डेवलपमेंट होंगे, क्योंकि वहां पे जिस हिसाब का ये कमर्शियल आ रहा है वो नई जेंट्री के लिए प्रॉपर वहां पे ये सूट होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो न्यू गुड़गांव में कोई भी ऐसा मेजर मॉल आज के टाइम सेटअप नहीं है या रनिंग नहीं है। आप स्पायर मॉल को मान सकते हैं, स्पायर मॉल 90 को मान सकते हैं, लेकिन उनमें भी वो चीजें नहीं है जो हर इंसान को चाहिए, एक ही जगह पे वो सारी जरूरतें पूरी हो, नहीं। आप गुड़गांव के किसी भी एरिया को उठा के देख लो, हर एरिया के अंदर एक ऐसा मॉल मिलेगा जिसके अंदर वो सारी सुविधाएं हो, चाहे इंटरटेनमेंट जोन हो या आपका सिनेमा हो या फिर आपके रिटेल शॉप हो, ऑफिस स्पेसेस हो, वर्चुअल स्पेसेस हो, ताकि बाहर से आके या अदर जो दुकानदार हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं, वो वहां पे अपने स्टॉल है वो लगा सके। ठीक है, आप एक्सटेंस रोड पे उठा के देखो तो आप एक्सटेंस 65 के अंदर वर्ल्ड मार्क है, आपका सोना रोड पे एरिया मॉल है जिसके अंदर बच्चों के खेलने की, आपके ऑफिस स्पेसेस की बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां सारी चीजें हैं। और स्पे कमर्शियल मॉल कौन सा ऐसा मॉल है जो कमर्शियल चलता है और क्या उसके अंदर क्या विजन होने चाहिए डेवलपर के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो न्यू गुड़गांव का जो ये एरिया है 82 के अंदर जो ऐलान लेके आ रहा है प्रोजेक्ट, ये एक अच्छा एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही जो जेंट्री है वो बसी हुई है, फुटफॉल लोगों का ऑलरेडी वहां पे रनिंग है, मेजर 75 मीटर रोड के ऊपर ये मॉल लगता है, साथ में आपका 24 मीटर जो रोड है, सेक्टर रोड है, उसके ऊपर लगता है, तो दो साइड की इसकी कनेक्टिविटी आती है। अगर फ्रंट की बात करें तो लमसम 300-400 मीटर का जो फ्रंट है वो मेन 75 मीटर रोड के ऊपर लगता है। ये एक अकेला रोड है जो पटौदी रोड और NH8 को साथ में जोड़ता है, प्लस आपका मल्टी यूटिलिटी। तो अगर न्यू गुड़गांव को सेंटर का रोड देखे जाए तो यही सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो रोड है, उसके बाद मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर आता है। तो ये दो ऐसे रोड हैं जो सबसे ज्यादा यूज होंगे और इनको हम सेंटर रोड भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जो रोड है ये 75 मीटर है। दूसरा ये है कि इसके ऊपर पहले से ही अभी काम है वो शुरू हो गया, मोस्टली ये रोड कंप्लीट होने वाला है, इसको वाइड किया गया है। इसके सामने DLF अल्मेडा, फिर बेस्टेक हाई राइज, और साथ में देखोगे लो राइज के टाउनशिप, आपको वाटिका इंडियन नेक्स के फ्लोर आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, और वहां पे रेंटल इनकम फ्लोर की है वो भी काफी ज्यादा हो चुकी है, डिमांड बढ़ चुकी है उस एरिया की। तो इस मॉल के अंदर आपका इंटरटेनमेंट जो, आपका वर्चुअल स्पेस, आपका ऑफिस स्पेस, रिटेल लोकेबल स्पेस भी है, और उसके बाद आपके हब्स या फूड कोर्ट्स, आपको बहुत सारा कंसेप्ट मिलता है, क्योंकि ये 9.5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट आने वाला है। और यहाँ पे जो रेट का आइडिया मैं दे देता हूँ, 1.5 करोड़ मिनिमम यहाँ पे रेट है, और न्यू गुड़गांव का ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे कमर्शियल रेजिडेंशियल, तो आपने सुने होंगे कि कमर्शियल रेजिडेंशियल EY के ऊपर सोल्ड आउट हो जाते हैं, तो कमर्शियल भी ये ऐसा आया है जिसके अंदर आपको EY देनी पड़ेगी, लॉन्चिंग प्राइस अलग होगा, और आज जो EY देगा उसकी उसको थोड़ा सा ये कि आपकी अलॉटमेंट चॉइस है वो थोड़ी बेटर मिल सकती है, रेट है वो अच्छा आने वाला है। इसके अंदर एश्योर्ड रेंटल आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा, आपका पोजीशन भी इन्होंने कुछ प्लानिंग है वो की हुई है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी डिस्कशनें हैं दोस्तों कि इस मॉल के अंदर बेनिफिशियल चीजें ऐड होती हैं, क्योंकि मैंने प्रॉपर R&D की हुई है कि कमर्शियल मॉल के अंदर
क्या चीजें जरूरी है और कौन सा मॉल सबसे ज्यादा है वो बेटर चलता है। तो दोस्तों एक मीटिंग का आप कंसेप्ट रख सकते हैं, मिल सकते हैं, साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल हमारा है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे न्यू अपडेट है वो हम व्हाट्सएप चैनल पे हम डालते रहते हैं। दोस्तों अगर हम डेवलपर की बात करें, डेवलपर की रेपुटेशन काफी अच्छी है क्योंकि इसको पहले से ही कमर्शियल के अंदर काफी अच्छा एक्सपीरियंस, और अब तो ये साथ में रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर भी एंटर कर चुके हैं। तो वो लोकेशन इस टाइम कमर्शियल डिमांड कर रही है कि उस लोकेशन के अंदर कोई ऐसा कमर्शियल आए जो हम सभी लोगों की एक जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करें, क्योंकि कुछ टाइम से कमर्शियल अभी बाजार के अंदर काफी हो तो गई है, लेकिन उसको चलाने का, उसको वर्कआउट करने का जो प्लान है वो डेवलपर नहीं करते हैं। एक कमर्शियल वो सबसे ज्यादा चलता है जिसका लीजिंग पावर डेवलपर के पास हो। कोई भी ऐसा मॉल उठाओ जिसका लीजिंग पावर कस्टमर के पास होता है वो मॉल कभी नहीं चलता। कोई भी उठा के देख लो वो नहीं चलता है, चाहे आप एक्सटेंशन एचपीआर किसी भी एरिया को उठा के देख लो, यहां तक कि एनजी रोड के ऊपर भी कोई कमर्शियल ट्राई करके देखो, जिसकी लीजिंग पावर कस्टमर के पास होगी वो नहीं चलता है। और ये रिकमेंड मैं आपको इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि यहाँ लीजिंग प्रॉपर तरीके से होनी है तो ये मॉल चलेगा ही चलेगा। अगर आपके मन में ये वहम है कि कमर्शियल ऑलरेडी बहुत ज्यादा सप्लाई है, नहीं चलेंगे। लोकेशन को ट्रैक करो, आप उस प्रोजेक्ट की जो डिमांड है, उस लोकेशन की जो डिमांड है, क्या सप्लाई है उस एरिया की, वो आपको ट्रैक करना चाहिए। आपको ट्रैक करनी चाहिए कि जो डेवलपर है, जो माल लेके आ रहा है, वो आपसे जब पोजीशन होगी उसके बाद का क्या कंसेप्ट उस डेवलपर का है, वो आपको ट्रैक करनी चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा रेंटल, एक अच्छी आरओआई कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अगर मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन अगर गाइड करूं तो लोकेशन मेरे हिसाब से बैंगोल इस टाइप की लोकेशन पे नहीं मिल सकता, क्योंकि ये हर प्रकार की जेंट्री, बसी बसाई जेंट्री के अंदर आपको आ रहा है और 4-5 साल अगर इसको बनने में लगेंगे तब तक वो जो एरिया है वो बहुत ज्यादा उभर जाएगा, और ये टू साइड की कनेक्टिविटी बहुत कम ऐसे मॉलों के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों और गहराई से समझना चाहते हैं तो आप एक मीटिंग का टाइम है वो सेट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।